बांग्लादेश को आजादी दिलाने वाले रणबांकुरों को सलाम। दमन और विश्वासघात से विजय दिलाने वाले बहादुरों को सलाम। ये तस्वीरें बताती है जब दो मुल्कों के दिल मिल जाएं, विश्वास की बुनियाद खड़ी हो जाए तो सब कुछ साझा हो जाता है। ढाका में पीएम मोदी ने बांग्लादेश के उस इतिहास से खुद को साझा किया जिसमें आजादी की लंबी जंग के जख्म दर्ज हैं। बांग्लादेश आजादी के अपने 50 साल सेलिब्रेट कर रहा है और खास मेहमान मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनकर आए हैं। शेख मुजीबुर रहमान साहब की 100वीं जन्म जयंती है, इस खास मौके पर उनके मजार पर भी जाएंगे और वहां पर जाकर उनको याद करेंगे, उनके आदर्शों को। यकीनन ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान साहब यहां राष्ट्रपिता के तौर पर जाने जाते हैं, उनसे एक अलग लगाव है समूचे बांग्लादेश के लोगों का। ढाका एयरपोर्ट पर विमान से उतरते ही पीएम मोदी की जिस अंदाज में अगवानी हुई उससे ये साबित हो गया कि मेहमान मोदी के दौरे को लेकर बांग्लादेश में कितना जोश और उमंग है। प्रधानमंत्री शेख हसीना खुद हवाई अड्डे पर पहुंची। एयरपोर्ट से पीएम मोदी शहीद मेमोरियल पहुंचे और बांग्लादेश की आजादी के जंग में बलिदान देने वाले जवानों को याद किया। मेमोरियल के रजिस्टर में पीएम मोदी ने लिखा, उनका शौर्य आने वाली पीढ़ियों को अन्याय से लड़ने और हक की हिफाजत की प्रेरणा देता रहेगा। पीएम मोदी ने शेख मुजीबुर रहमान और महात्मा गांधी पर साझा प्रदर्शनी का भी शुभारम्भ किया। बांग्लादेश के लिए ये साल इतिहास में मील का नया पत्थर है। ये बांग्लादेश की आजादी का 50वां साल है। ये शेख मुजीबुर रहमान का जन्म शताब्दी वर्ष है। ये भारत बांग्लादेश कूटनीतिक रिश्तों का 50वां साल है। बताने की बात नहीं, इतिहास गवाह है कि बांग्लादेश के लिए शेख मुजीबुर रहमान के क्या मायने हैं। वो बांग्लादेश की आजादी के अग्रदूत रहे, हिंदुस्तान बांग्लादेश के दोस्ताना रिश्ते के सूत्रधार रहे। दो दिनों के दौरे में पीएम मोदी शेख मुजीबुर रहमान के प्रति हिंदुस्तान के मान सम्मान को और गहरा बनाते दिखेंगे और साथ ही रिश्ते को और मजबूती देते भी नजर आएंगे। ढाका से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो।